यूपी के लखनऊ से है, जहां एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि कोरोना के चलते 18 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है। ये सभी कोरोना के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे और अस्पतालों में व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाए रखेंगे। इसके अलावा कई जिम्मेदारियां इन अधिकारियों को सौंपी गई है। रायबरेली के लिए कमिश्नर लखनऊ श्री मुकेश मेश्राम, आईजी लखनऊ श्री एसके भगत एवं संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर डीके सिंह, मेरठ के लिए श्री टी वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री प्रशांत वर्मा वहां के एडीजी एवं डॉक्टर अखिलेश धवन वहां के संयुक्त निदेशक यहां के लखनऊ के स्वास्थ्य भवन, गाजियाबाद में श्री सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु, श्री प्रवीण कुमार आईजी मेरठ एवं डॉक्टर एके पालीवाल पूर्वत नोडल अधिकारी के रूप में कार्य देखते रहेंगे, श्री गौतम बुद्ध नगर में श्री नरेंद्र भूषण पहले से देख रहे हैं सीओ ग्रेटर नोएडा, श्री आलोक कुमार वहां के सीपी स्वयं देखेंगे और डॉक्टर अवधेश कुमार यादव संयुक्त निदेशक मलेरिया लखनऊ। बुलंदशहर के लिए श्रीमती अनीता मेश्राम आयुक्त, श्री दीपक रतन आईजी यातायात यहां लखनऊ से जाएंगे और डॉक्टर विनोद कुमार सिंह वरिष्ठ परामर्शदात्रा एमडी नेत्र चिकित्सालय प्रयागराज। कानपुर नगर के लिए नितिन रमेश गोकरण प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, जयनारायण वहां के सिंह एडीजी वो देखेंगे और डॉक्टर विकास सिंघल संयुक्त निदेशक मलेरिया देखेंगे। मुरादाबाद के लिए श्री अनुराग श्रीवास्तव प्रमुख सचिव नमामि गंगे, श्री रमित शर्मा वहां के आईजी मुरादाबाद और डॉक्टर अखिलेश कुमार निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य। बिजनौर के लिए श्री अजय चौहान आवास आयुक्त, श्री राम कुमार अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, डॉक्टर अनिल मिश्रा संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ। अमरोहा के लिए डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी प्रबंध निदेशक राज्य पारेषण निगम, विजय प्रकाश आईजी फायर सर्विसेज और डॉक्टर विमल कुमार बैसवार संयुक्त निदेशक। सहारनपुर के लिए श्री पी गुरु प्रसाद आयुक्त आबकारी, श्री उपेंद्र अग्रवाल पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर एवं डॉक्टर। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 TV।